हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के लोन का स्टेटमेंट और एनओसी कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक करना है, या फिर इसको हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो एप्लीकेशन डॉट एक्सिस बैंक डॉट सी ओ डॉट इन ऑब्लिक वेब फॉर्म ऑब्लिक एक्सिस सपोर्ट ऑब्लिक इंडेक्स ऐसे करके हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा, इसमें आपको इंस्टा सर्विस पर क्लिक करना है। इंस्टा सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको लोन सर्विस पर जाना है। लोन सर्विस पर क्लिक करने के बाद इसमें लोन की जितने भी सर्विसेज हैं वो दिखाएगा, जैसे ओवरड्यू आपको कैसे पेमेंट करेंगे, लोन स्टेटमेंट कैसे देखना है, ईएमआई रिपेमेंट अकाउंट कैसे चेंज करना है, लोन रिपेमेंट शेड्यूल सेट करने के लिए इसमें दे रखा है। तो इस नीचे जाएंगे तो आपको शो होगा एनओसी फॉर लोन क्लोजर, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू पेज ओपन होके आएगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगी, ओटीपी को इसमें इंटर करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी लोन अकाउंट होंगे वो शो हो जाएंगे। जैसे हमारे दो लोन अकाउंट हैं, ये शो हो रहे हैं। इस पर आपको एक पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लियर कर देना है। उसके बाद आप एनओसी डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हमें ईमेल आईडी पे सेंड करना है तो सेंड एनओसी टू ईमेल आईडी, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी ईमेल आईडी यहाँ शो हो जाएगी, कन्फर्म करने के लिए देगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। आपकी जो एनओसी है आपके मेल आईडी पे सक्सेसफुली सेंड कर दी जाएगी। इस तरह से आप अपना एनओसी डाउनलोड कर सकते हैं।